हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर चकरे बड़ भैया स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएमसी बेचिंग प्लांट इंडिया में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोस एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी के बारे में। जी हाँ, कोस एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी किस तरह से चेक करते हैं इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आपको मैं ये टेस्ट पूरा बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बहुत पहले लगभग एक साल पहले मैंने फाइन एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी किस तरह से चेक करके आता था, आप लोगों का काफी उसमें क्वारी सर कि सर ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, तो ये जो डाउट था आप लोगों का, ये डाउट आज मैं 100% क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। कोस एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी है, दोनों एग्रीगेट की, कोस एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी होता है और फाइन एग्रीगेट का जो बल्क डेंसिटी होता है, दोनों का चेक करने का तरीका सेम है। बस उसमें फर्क इतना है कि बल्क कोस एग्रीगेट का बल्क डेंसिटी के लिए उसमें 15 लीटर का जो हमारा सिलेंडर है उसको यूज किया जाता है, वही फाइन एग्रीगेट की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 लीटर का जो हमारा सिलेंडर होता है उसको यूज किया जाता है। बस इतना फर्क है, बाकी सभी जो प्रोसेस है वो सेम ही। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला से रहता है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कौन सा इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई भी टॉपिक मिस ना करो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी हम ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से इक्विपमेंट्स हमारा लगता है बल्क डेंसिटी चेक करने के लिए। उसके बाद हम फील्ड में चले जाएंगे और फील्ड में ही आपको टेस्ट करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से बल्क डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए तुरंत चलते हैं और आपको टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट बैलेंस के बारे में। ये देख सकते हो आप, ये वेट बैलेंस हमने ले लिया है। उसके बाद ये देख सकते हो हमारा टैंपिंग रॉड है, ये टैंपिंग रॉड 16 mm का है। उसके बाद ये स्केल है, आप देख सकते हो ये स्केल का क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद ये देख सकते हो ये हमारा सिलेंडर हो गया, 15 लीटर का सिलेंडर हो गया। उसके बाद ये स्कूप हो गया, ये स्कूप की मदद से हम इसको फिल करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा जो लगने वाले इक्विपमेंट्स है। अब हम चलते हैं फील्ड में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो चलिए फील्ड में चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हम फील्ड में आ चुके हैं और यहाँ पे आप एग्रीगेट देख सकते हो, ये जो हमारा कोस एग्रीगेट का 20 mm है और वहां पे जो है 10 mm है। अभी फिलहाल मैं आपको 10 mm नहीं बल्कि 20 mm जो एग्रीगेट है उसका बल्क डेंसिटी चेक कर सकते। पहले आप क्या करेंगे, हमारा जो ये बकेट देख सकते हो आप, ये जो डेंसिटी बकेट है इसका एम्प्टी वेट करेंगे। तो एम्प्टी वेट करने के बाद फिर हम हमारी ऑब्जर्वेशन शीट में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आगे का नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने ये बकेट जो है हमारा ऊपर रखा है और अब हम क्या करेंगे, इसका एम्प्टी वेट नोट डाउन करके ले लेंगे। इसका जो एम्प्टी वेट है वो है 9640 है। तो ये एम्प्टी वेट हमारा मिल गया है बकेट का और अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी बकेट का जो एम्प्टी वेट है वो हमारे ऑब्जर्वेशन शीट में नोट डाउन करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहला जो डेंसिटी है हम क्या करेंगे, लूज डेंसिटी लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मटेरियल है उसमें लूज फिल करेंगे और फिल करने के बाद उसका वेट करेंगे और उसका डेंसिटी लेंगे। उसके बाद हम रॉड डेंसिटी लेंगे। तो ये एक लेयर हमने डाल दिया, इसको हल्का सा ऐसे कॉम्पैक्ट करेंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि लूज डेंसिटी हमें चाहिए। बस और एक लेयर डालो। चारों ओर से ऐसे घुमा घुमा के डालने का और इसको हल्का सा ऐसे करने का, ठीक है। हाँ अभी फुल भरो,
हाल कैसे हो? ओके, अभी स्केल से उसको लेवल करो अच्छे से ऊपर का। अब हम क्या करेंगे, इसको टॉप लेयर तक भरने के बाद इसको स्केल से लेवल करके लेंगे, उसके बाद इसका वेट करेंगे, ये हमारा लॉस डेंसिटी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रॉडेड डेंसिटी निकालेंगे। जो ओवर मटेरियल है ऊपर में उसको हम स्केल की मदद से कुछ इस तरह से निकाल देंगे। ओके, अब इसका वेट करो। तो आप देख सकते हो यह हमारा जो लॉस डेंसिटी है उसका हमने वेट ले लिया है। अब हम इसका वेट नोट डाउन कर लेंगे। इसका जो वेट आ रहा है 33260। अब हम क्या करेंगे, ये मटेरियल डाल देंगे और उसके बाद कॉम्पैक्टेड डेंसिटी लेंगे। तो लॉस डेंसिटी हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मटेरियल इसके अंदर फिल करेंगे और उसको टैंपिंग करेंगे। थोड़ा जोर से मार। सेकंड लेयर डालो, डालो जल्दी 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 डालो। अब आप देख सकते हो ये फाइनल लेयर तक हमारा कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टॉप का जो है, जैसे पहले हमने लॉस जो डेंसिटी लिया था उसको लेवल किया था, ठीक उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट होने के बाद अब इसको लेवल करेंगे कुछ इस तरह से। जो ओवर मटेरियल उसको निकाल देंगे। अब इसको निकालेंगे, निकालने के बाद फिर इसका नेक्स्ट वेट करेंगे। वेट करने के बाद इसका जो वेट आएगा रॉडेड वेट, वो हम नोट डाउन करके लेंगे। ये ओवर मटेरियल को कुछ इस तरह से निकालना है, देखिए। ओके, रखो वेट बैलेंस के ऊपर। तो आप देख सकते हो इसका हमने वेट ले लिया और इसका जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35140। तो ये हमारा रॉडेड वेट आ गया। अब हम इसका भी वेट हमारा ऑब्जर्वेशन शीट में नोट डाउन करेंगे और चलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं ऑब्जर्वेशन शीट पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हो मैंने ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा करके रखा है। ये सबसे पहले वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, ठीक है, एम्प्टी सिलेंडर का जो वहां पे हमने फिल्म में वेट लिया था, आपने देखा है 9640 हमारा वेट आया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि वेट ऑफ सिलेंडर विद लॉस सैंपल,
जो बिना कॉम्पैक्ट करके हमने जो सैंपल भरा था उसका जो वेट आया था हमारा विद टेम्प इसके साथ, किसका साथ, सिलेंडर के साथ, विद सिलेंडर के साथ हमारा वेट आया था उसका कितना आया, 33260 यह हमारा वेट आया था। उसके बाद हमने और एक टेस्ट लिया जो है हमारा कॉम्पैक्टेड सैंपल था, वेट ऑफ सिलेंडर विद कॉम्पैक्टेड सैंपल, कॉम्पैक्टेड यानी जो रॉड से खाच के रॉडेड जो सैंपल हमारा था वो था इसका जो विद सिलेंडर के साथ था, विद सिलेंडर के साथ कितना आया, 35140 यह हमारा वेट आया। उसके बाद हमारा जो कैलकुलेशन आता है लोज वेट ऑफ सैंपल, लोज वेट ऑफ सैंपल हमारा क्या आया, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है W1 माइनस W2। अब W1 क्या था हमारा, ये था एम्प्टी सिलेंडर का था, और W जो 2 था हमारा लोज सैंपल था। तो लोज सैंपल को हमने माइनस कर दिया सिलेंडर से, सिलेंडर का वेट से माइनस किया, माइनस करने के बाद हमें क्या मिल गया, लोज सैंपल मिल गया, यानी वो सिलेंडर के अंदर सैंपल कितना है वो हमें मिल गया है। तो कितना मिला, 23620, ये हमें एक सैंपल मिल गया। अब दूसरा सैंपल हमें चाहिए, तो इसके लिए कॉम्पैक्टेड जो हमारा जो सैंपल है, जो हमने रॉडेड जो सैंपल रॉड से जो टंपिंग करके सैंपल लिया वो था हमारा 35140, तो ये कितना था, W3 था, ये था हमारा W3 था। और W3 को हम माइनस करेंगे W1 से, यानी ये सिलेंडर को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद तो सिलेंडर के अंदर कितना मटेरियल था वो हमें मिल जाएगा रॉडेड कॉम्पैक्टेड, तो यह हमारा 25500 यह हमें मिल गया। अब हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कितना लीटर का था, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये 15 लीटर का था हमारा। अब हमें क्या करना है, उसका डेंसिटी कैलकुलेशन करना है। डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए लूज बल्क डेंसिटी ऑफ सैंपल, लूज बल्क डेंसिटी हमें निकालना है, उसके लिए जो हमारा लूज बल्क डेंसिटी का सैंपल था वो W4 था। W4 क्या था, 23620। अब 23620 को डिवाइडेशन कर देंगे उसकी वॉल्यूम से, ये देखिए W4 अपन V यानी वॉल्यूम, तो करने के बाद वॉल्यूम क्या करने के बाद हमें क्या मिला, 23620 अपन 15, ये करने के बाद हमें मिला 1575, यह हमारा लोस डेंसिटी हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह से रॉडेड जो बल्क डेंसिटी है वो भी सेम कैलकुलेशंस था, उसका जो W5 था, W5 क्या था, 25500 डिवाइडेशन 15, करने के बाद हमें क्या मिला, 1700, तो 1700 मिला। तो हमारा जो डेंसिटी वो हमें मिल गया है, लोस डेंसिटी हमें 1575 मिला, उसके बाद रॉडेड डेंसिटी हमारा 1700 मिला है। इसी तरह से आप सैंपल 1 सैंपल 2 ले सकते हो, लेने के बाद उसका जो एवरेज वैल्यू आएगा उसका एवरेज वैल्यू आप एवरेज लूज डेंसिटी निकाल सकते हो, उसके बाद एवरेज रॉडेड बल्क डेंसिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएंगे। और इसके लिए जो IS यूज किया जाता है, रेफरेंस एज पर IS 2386 पार्ट 3 एंड 1963 के हिसाब से उसको टेस्ट किया जाता है। तो भाई ये था हमारा बल्क डेंसिटी टेस्ट। तो आपको हमने इक्विपमेंट्स के बारे में बताया कि बल्क डेंसिटी टेस्ट करने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, उसके बाद हमने आपको फील्ड में लेके गया और वहां पे टेस्ट करके दिखाया, कैलकुलेशंस करके आपको बताया कि कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन शीट अगर आपको चाहिए तो इसका भी मैं एक एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आप ये शीट को डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर्स में ले सकते हो और इसी तरह से आप भी अपनी साइट में टेस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।